हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन प्लास्टर। आपको पता है प्लास्टरिंग दो टाइप की होती है, इंटरनल प्लास्टरिंग और एक्सटर्नल प्लास्टरिंग। इंटरनल प्लास्टरिंग में आपकी जो कोटिंग होती है या फिर जो प्लास्टर करते हैं आप, वो 12 mm की होती है, और एक्सटर्नल प्लास्टरिंग के लिए आपका 20 mm का यूज होता है। इस वीडियो में हम केवल इंटरनल प्लास्टर की बात करेंगे। इंटरनल प्लास्टरिंग के लिए आपका जो सीमेंट और सैंड का जो रेशियो होता है वो 1:4 और 1:5 बेस्ट होता है। अगर आप 1:3 में जाएंगे तो ये आपका जो टंकी वर्क होता है उसमें यूज किया जाता है, तो इसमें आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम 1:4 लेके ही चलेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कोई वॉल है जिसका एरिया आपको 100 m² गिवन है और उस पर 12 mm की प्लास्टिंग होनी है, तो इस वॉल पर कितना आपका सैंड और सीमेंट लगने वाला है, तो चलिए आगे निकालते हैं। इस तरह का जो वॉल दिया हुआ है आपके पास जिसका एरिया 100 m² है और जो इस पर प्लास्टरिंग होनी है वो आपकी 12 mm की होगी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियो ऑफ मोर्टार, जो कि 1:4 हमने पहले डिस्कस किया था, या फिर आप 1:5 भी ले सकते हैं। ये बेस्ट होता है आपके इंटरनल प्लास्टरिंग के लिए, तो इसमें हम 1:4 लेके चलेंगे। 1:4 का मतलब है कि एक पार्ट सीमेंट का और 4 पार्ट सैंड का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मोर्टार इन प्लास्टरिंग, या फिर जो जितना एरिया हमारा यहाँ पे या फिर वॉल्यूम है जिस पे हमने प्लास्टर करना है, तो वो वॉल्यूम सबसे पहले हम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार इन प्लास्टर, एरिया हमें पता है 100 m² है, जो थिकनेस है हमारी वो mm में दी हुई है। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.012 m हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारी जो वैल्यू निकल आती है 1.20 m³। इतना वॉल्यूम हमारा निकल गया है जिस पे हमने प्लास्टिंग करनी है। इसे हम वेट वॉल्यूम भी बोलते हैं। अब निकालेंगे हम ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम में 33% इंक्रीज होता है रिस्पेक्ट टू वेट वॉल्यूम। इसका मतलब ड्राई वॉल्यूम में 1 m³ में आपका 33% इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम। तो 1 m³ में अगर 33% अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी निकल आएगी, 1.33। अगर 2 m³ की बात करें तो उसमें 2.66 m³ आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हमने 1.33 यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है, तो 1.20 आपका वेट वॉल्यूम हो गया। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने जो 33% इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी टोटल वॉल्यूम निकल आई 1.596 m³। ये एक्चुअल एरिया निकल आया आपका, या फिर एक्चुअल वॉल्यूम निकल आया जिस पर हमने प्लास्टिंग करनी है। अब हम निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट को निकालने के लिए आपका जो ड्राई वॉल्यूम है 1.596, इसके साथ रेशियो ऑफ सीमेंट 1 दे रखा है, रेशियो ऑफ मोटार, इन दोनों का सम्मिशन कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। और डायरेक्ट आप इसको किलोग्राम में निकालेंगे तो जो डेंसिटी होती है आपकी सीमेंट की वो होती है 1440 kg/m³। तो जो इसको पूरा कैलकुलेट करके निकल आता है आपका 459648 kg। तो टोटल आपका कितना निकल आया, 1.596 m³ पे आपका कितना सीमेंट यूज होगा, वो होगा आपका 4059 kg सीमेंट। अगर आप इसको बैग्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप सिंपली इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका अप्रोक्स 9 bags निकल आता है। तो 1.596 m³ में जो आपका सीमेंट यूज होगा वो 9 bag होगा। इसी तरह हम क्वांटिटी निकालेंगे अब सैंड की, क्वांटिटी ऑफ सैंड। इसके लिए भी आप जो आपका ड्राई वॉल्यूम है 1.596 पार्ट्स ऑफ सैंड का 4, समीशन ऑफ रेशियो मोटार कितना आपका 5, और जो आपकी डेंसिटी होती है सेंट की
वो होती है आपकी 1550 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इससे जो आपका टोटल निकल आता है 1979 किलोग्राम। अगर हम इसको टन में कन्वर्ट करें तो आपको पता है 1000 kg इक्वल्स टू 1 टन, तो अप्रोक्स इसको ले सकते हैं आप 2 टन।